नमस्कार प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है जमीन से जुड़े हुए हैं कृषि और पशुपालन की अच्छी जानकारी रखते हैं सादगीपूर्ण जीवन सरल व्यवहार सहज व्यक्तित्व पहनावा देसी और भाषण कला में ऐसे माहिर कि हंसते हंसते लोटपोट भी करा देते हैं और गंभीर भी कर देते हैं हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण हुक्म देव नारायण यादव की बहुत लंबे समय तक राजनीति में हैं लगभग छः दशक से और ग्राम पंचायत के प्रधान से लेकर तीन बार विधायक चार बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा में भी रह चुके हैं उत्कृष्ट सांसद का सम्मान भी उन्हें प्राप्त है इनसे हम बातचीत करेंगे लेकिन पहले एक नज़र इनके अब तक के राजनीतिक सफर पर किसान और स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में पैदा हुए नारायण यादव का प्रारंभिक जीवन संघर्षपूर्ण रहा गुलाम भारत में परिवार ने जहां अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया वहीं आजाद भारत में इन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया बिहार के दरभंगा में पैदा हुए हुकुमदेव नारायण यादव पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा में भी सक्रिय रहे हुक्म दरभंगा के साथ साथ मधुबनी में भी सामाजिक कार्यो में सक्रिय रहे लोहिया के विचारों से प्रभावित हुकुमदेव, 21 वर्ष की आयु में पहली बार बिजली पंचायत के ग्राम प्रधान चुने गए अपने सेवा भाव के कारण लोगों ने इन्हें दोबारा भी मौका दिया उन्नीस सौ और बहत्तर में लगातार दो बार विधायक चुने गए इमरजेंसी का विरोध करने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा 1977 में पहली बार भारतीय लोक दल के टिकट पर मधुबनी लोकसभा से सांसद चुने गए लोकसभा बीच में ही भंग हो जाने के बाद 1980 में इनकी पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेजा 1990 में जनता दल की सरकार के दौरान हुकुमदेव नारायण यादव लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बने और बाद में फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली 1999 में बीजेपी की टिकट पर मधुबनी से लोकसभा का चुनाव जीता और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली 2009 और 14 में लगातार चौथी और पांचवी बार लोकसभा के लिए चुने गए 2018 में उत्कृष्ट सांसद का सम्मान पाने के बाद इन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी बयासी वर्ष की अवस्था में हुकुम आज भी पूजा पाठ और शंखनाद से अपने दिन की शुरुआत करते हैं प्लस माइनस में हुकुमदेव नारायण यादव से बात की साधना ग्रुप के सीएमडी राकेश गुप्ता ने हुकुमदेव जी आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में स्वागत है आपकी बहुत लंबी लगभग छह दशक की राजनीति की यात्रा रही है आपने राजनीति के हर दौर को देखा है एक समय था करपुरी ठाकुर डॉ राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण दीनदयाल उपाध्याय जी का जिसमें सामाजिक विषमता को दूर करने की बात की जाती थी लेकिन आज की राजनीति मसल पावर मनी पावर और अवसरवादिता पर है क्या दौर का ये चेंज आप क्या देखते हैं देखिए जो व्हील ऑफ हिस्ट्री डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी समाजवादियों के लिए उसमें उन्होंने अपने ढंग से सृष्टि के अंदर होने वाले युग के परिवर्तन उन्होंने बताया था कैसे आर्थिक सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन होते रहते हैं तो उस समय का दौर था जब अंग्रेजी राज के से हिंदुस्तान मुक्त हुआ था और उस समय के राजनीति करने वालों पर स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव था उनके अंदर राष्ट्रीयता प्रधान देशभक्ति सर्वोपरि ऊपर सबसे ऊपर था राष्ट्रभक्ति आज़ादी से पहले उद्देश्य रहता था कि हमें आज़ादी प्राप्त करनी है और आज़ादी के बाद में इनका उद्देश्य हो गया कि समाज सेवा करनी है और सामाजिक विषमता को दूर करना है मूल उद्देश्य यही था कि उनके अंदर आज़ादी के आंदोलन में उनकी भावना बनी थी वो समर्पित थे जिसको कहते हैं राष्ट्रभक्ति वंदे मातरम भारत माता की जय महात्मा गांधी की जय अंग्रेजो भारत छोड़ो ये उनके गांव के निर्धन निर्बल गरीब जो लोग थे वो था सड़क पर भीख मांगने वाले से लेके और उस समय के पूंजीपति उद्योगपति के शिरोमणि बिरला और बजाज थे वो सब एक स्वर से बोल रहे थे और गांधी जी के नेतृत्व में सबको चल रहे थे तो उसका प्रभाव पड़ा था समाजवादी आंदोलन भी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रह के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर के तो समाजवादी बन गए तो जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश डॉक्टर लोहिया अच्युत पटवर्धन ये तमाम जो समाजवादी निकले थे वो सब उसी धारा से निकल आजादी के आए थे आज़ादी के आंदोलन से निकल के आए थे उस समय भी जो जनसंघ के संस्थापक के रूप में जो प्रारंभ किए पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श बने वो भी उनके ऊपर भी उसका प्रभाव था सादगी स्वच्छता ये सब जो उनके जीवन के ईमानदारी राजनीति के आदर्श आदर्श इस ये था उनका उस पर तो सब उस रास्ते से चले तो तब था पसीना परिश्रम पुरुषार्थ और आदर्श के लिए समर्पण ये था उनका धीरे 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 सत्ता के संघर्ष चलते गए जो लोग थे उस समय नेतृत्व देने वाले वो गांधी चले गए लोहिया चले गए जयप्रकाश चले गए नरेंद्र देव चले गए दीनदयाल चले गए तो एक हिसाब से मेरी राय में मूल पार्टी थी कांग्रेस जो जो कांग्रेस के चरित्र में सिद्धांत में पतन होते गया उसी का प्रभाव दूसरे दलों पर भी पड़ता गया दूसरे दलों पर भी पड़ता गया क्योंकि कांग्रेस सत्ताधारी दल थे इस पर डॉक्टर लोहिया ने एक बार लोकसभा में कहा था कि मैं कांग्रेस को मिटाना नहीं चाहता मैं कांग्रेस को कमजोर करना चाहता हूं और इसलिए कि कांग्रेस के अंदर जो दुर्गुण है उस दुर्गुण का प्रभाव दूसरे विरोधी दलों पर भी पड़ता है तो इनके कारण सभी दल में जो विकृतियाँ पैदा हो रही है उससे देश बचेगा बचाने के लिए कि इसमें सुधार आवे लेकिन अब बढ़ते बढ़ते आए तो न कांग्रेस में गांधी है ना नेहरू है कांग्रेस में अब न गांधी है न नेहरू है उनका नाम है नेहरू का वंश है नेहरू के नाम पर है तो ये फर्क हो गया उसमें तो अब जो राजनीति है वो है सुख सुविधा सम्पन्नता स्वार्थ इसकी राजनीति है अब बहुत कम लोग हैं जो अपने सिद्धांत और अपने राह के प्रति समर्पित हैं बहुत कम लोग हैं मुझे लगता है कि ऐसे ही जो लोग कुछ लोग बचे हैं उन्हीं के कारण आज भी राजनीति की धारा बची हुई है लेकिन ऐसे में हमारा इसका मतलब भविष्य तो बड़ा अंधकारमय है क्योंकि ये जो पीढ़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं धीरे धीरे करके ये अपनी सत्ता अपनी अगली पीढ़ी को देने वाली है जैसे आपका भी छः दशक का अनुभव रहा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष से लेकर के विधानसभा लोकसभा राज्यसभा इतनी लंबी जो यात्रा की और आखिर में आकर के आपने अपनी सत्ता अपने बेटे को सौंप दी तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली पीढ़ी उन आदर्शों को कायम नहीं रख पाएगी देखिए एक तो यह है कि मैंने सत्ता अपने बेटे को नहीं सौंपी पार्टी ने का एक संकल्प बना कि पचहत्तर साल से अधिक उम्र के लोगों को सक्रिय राजनीति में चुनावी राजनीति में नहीं रहना चाहिए तो मैं सबसे आगे जब उसको उत्कृष्ट सांसद का सम्मान मिला था तो सार्वजनिक रूप से मैंने घोषणा कर दी थी कि अब मैं चुनाव तो लडूंगा नहीं ये मेरा अंतिम है और जाते जाते आपने जो उत्कृष्ट सांसद का सम्मान से सम्मानित किया इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ तो पार्टी ने स्वयं निर्णय किया कि जो मेरा लोकसभा का सीट है उसी में एक सीट से विधानसभा से मेरा बेटा तीन बार एम एल बना था संजुग से हार गया था तो वहाँ पार्टी ने स्वयं निर्णय किया कि जब ये हट रहे हैं छोड़ रहे हैं तो इनके बेटा को ही इनके जगह पर चुनाव लड़ाया जाए मैंने मांग भी नहीं की मैंने कहा भी नहीं उस समय में चर्चा भी नहीं की दूसरी बात यह है लोहिया की दृष्टि थी जो लोहिया बार बार कहते थे और लोकसभा में भी बोले हुए हैं कि क्रांतिकारी अर्थनीति और राष्ट्रीयता के साथ जो दल होगा वही दल कांग्रेस को मार सकती है चौसठ में उन्होंने कहा था तब उन्होंने कहा था कि ऐसा दल बनेगा या नहीं बनेगा मैं अभी नहीं कह सकता लेकिन उनका शब्द मैं दोहरा रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि उस कृष्ण का जन्म हो चुका है चाहे वह छोटा ही हो लेकिन एक दिन जब वह बढ़ेगा तो कांग्रेस को पछारेगा और इनके सीने की हड्डी को तोड़ेगा कौन जिसमें क्रांतिकारी अर्थनीति और राष्ट्रीयता तो आज नरेंद्र मोदी की जो नीति है सरकार की नीति उसमें क्रांतिकारी अर्थनीति के साथ राष्ट्रीयता दोनों का समन्वय है और वही कांग्रेस की कबर आ वही कांग्रेस की कमर है की की टूटी है तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि डॉक्टर लोहिया की कि दृष्टि कितनी, कितनी दूरदृष्टि थी, कि... कितनी दूर थी। उसी समय उन्होंने कल्पना कर ली थी कि इस तरह के व्यक्तित्व के लोग ही कांग्रेस को पछाड़ सकते पछाड़ सकते 2014 में लोग मुझको पूछते थे कि ये कब तक चलेगा तो मैं कहता था भारत कभी लोहिया कहते थे कि भारत माता के गर्भ कभी बाझ नहीं रही है भारत माता कोई ना कोई व्यक्तित्व समय ऐसा पर ऐसा कोई ना कोई निकलता है तो प्रारंभ से देखिए आदिकाल से रावण के समय लोग कहते थे कि अब क्या होगा तो राम आ गए महाभारत काल में लोग कहते थे कि अब क्या होगा तो कृष्ण आ गए अंग्रेजी राज के समय में लोग सोचते थे अब क्या होगा तो गांधी आ गए आजाद भारत के अंदर ऐसी ही स्थिति राजनीति की जब बनते बनते आ गई थी तो लोग सोचते थे अब क्या होगा कुछ दिखाई नहीं पड़ता संजोग से उन्नीस में नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव हो गया हो गया प्रादुर्भाव तो ये इतिहास चक्र से भारत के अंदर से समय समय पर जो एक इस तरह से निकलते आए हैं लोग परंपरा उसी परम वो परंपरा को मैं कह रहा हूँ तो उसके अंदर से अभी राष्ट्रीयता की जो भावना है वो दुर्बल कर दी गई थी अब जातिवाद और संप्रदायवाद की जो बात कर रहे हैं बिहार तो इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है वहां की राजनीति पूरी तरह से जातिगत आधार पर चुनी जाती है वहाँ के वोटर्स भी उसी आधार पर वोट देते हैं वहाँ पर उम्मीदवारों का चयन भी उसी आधार पर होता है और सरकारें भी उसी आधार पर काम करती हैं आप इतने लंबे समय से बिहार की राजनीति से जुड़े रहे हैं आपको किस तरह का भविष्य दिखाई देता है छोटी सी बात है ये कि जो जाति परिवार और संप्रदाय के घेरे में रह गए या क्षेत्रीय दल बने तो उनकी दृष्टि क्षेत्रीय अंदर में रही भारत की जो समग्रता है विशालता है उत्तर से दक्षिण कन्याकुमारी से कश्मीर तक काम रूप से द्वारिका धाम तक ये भारत है और इतने बड़े भारत को समझने में घूमने में समय लगता है अटल बिहारी वाजपेयी को पहुंचने में पचास वर्ष लग गया नरेंद्र मोदी को भी यहां पहुंचने में संघ के प्रचारक के हैसियत से कितने प्रदेशों में घूमें पूरा जीवन लगा पूरा जीवन लगाया उन्होंने संपूर्ण भारत को देखा इनको सत्ता विरासत में नहीं मिली इसलिए स्वयं से उन्होंने तपस्या की और काम किया और कार्यकर्ता के रूप में काम किया तब जाकर के यहां तक पहुंचे पहुँचे। गुरुदेव जी आपने आपका एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और आपने लगभग हर प्रधानमंत्री के साथ में काम किया है या उसे काम करते हुए देखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर इंदिरा गांधी और मोराजी देसाई और चंद्रशेखर की सरकार में तो आप मंत्री भी थे उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी आप मंत्री थे और मोदी सरकार को भी आपने निकट से देखा है इन सब प्रधानमंत्रियों की वर्किंग आपने देखी है आपको क्या विशेष अंतर नज़र आया मोदी जी को आप इन सब से जब तुलना करेंगे तो कैसा आपको लगता है एक तो देखिए मेरे राजनीतिक गुरु डॉक्टर लोहिया समाजवादियों को हमेशा सतर्क करते थे कि कभी दो महापुरुषों की तुलना मत करो क्योंकि सभी अपने अपने समय में अपनी परिस्थितियों में बनते हैं और जो उस समय की जो परिस्थितियां होती है वो भिन्न होती है मैं जो मानता हूँ मेरे पिताजी आठ चाचा चार चचेरा भाई स्वतंत्रता सेनानी थे चार बरस की सजा पाए थे सारी संपत्ति अंग्रेज ने लूट लिया था मेरे पिताजी सब सब कांग्रेसी थे मैं जब समाजवादी आंदोलन में आया तो मुझको रोकते थे कहाँ पागल बन के जा रहे हो लेकिन मुझे तो अलग तरफ परमात्मा को ले जाना था मैं ये कह सकता हूँ कि उसके बाद जो आया है इंदिरा गांधी के बाद का अलग काल है जवाहरलाल जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का अलग काल है क्योंकि दोनों एक धारा वाले थे इंदिरा गांधी के समय से धारा बदल जाती है 1977 के बाद से खासतौर से धारा बदल जाती है फिर बदलती है तो 1977 में आए तो कई विचारधारा के लोगों का समन्वय हुआ समन्वय लेकिन व्यक्तित्वों का टकराव होता है इसी को लेकर के 1977 में जनता पार्टी बनी लेकिन उन्नासी में जाकर के वो समन्वय समन्वय नहीं रहा क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में कहा था मुरारजी देसाई से कि प्रधानमंत्री जी आप नेता हैं प्रधानमंत्री हैं लेकिन आपकी सरकार में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी अपने अपने कारण से वो नेता बन के आए हैं चौधरी चरण सिंह अपने गुणों से बन के आए हैं जॉर्ज फर्नांडिस अपने गुणों से बन के आए हैं कोई आपके कारण वो नहीं बने हैं आप जब नहीं हैं आप आप इनके 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 को को और महत्व समझिए समझिए है खुलेआम सेंट्रल हाल में कहा था आपने हुकमदेव जी गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है और आप किसानों की और मजदूरों की आवाज समझे जाते हैं लेकिन आज हम जब किसानों की हालत देखते हैं तो कितने किसान आत्महत्या करते हैं कितनों की ज़मीन एक्वायर हो जाती है तो उनको मुआवजा नहीं मिलता है कभी बाढ़ के कारण से उनके खेत खलिहान खत्म हो जाते हैं तो कभी सूखे के कारण से आखिर हमारे इन किसानों का किस तरह का भविष्य आप देखते हैं और ख़ासकर हमारी युवा पीढ़ी कृषि के क्षेत्र में जाना भी नहीं चाहती है देखिए इसलिए कि हिंदुस्तान की खेती है वो आज भी परंपरागत तौर पर है मशीनीकरण हो रहा है वैज्ञानिकरण हो रहा है मैकेनाइज साइंटिफिक मैकेनाइज मॉडर्न एग्रीकल्चर हिंदुस्तान के गांवों का रूपांतरण करना पड़ेगा जो 2001 हजार एक सेठ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत संपूर्ण गांव को जोड़ने का प्रयास किया दूरदृष्टि इसको कहते हैं अभी कुछ दिन पहले आपने अखबार में देखा हुआ कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हिंदुस्तान के सभी गांवों को परस्पर हम पक्की सड़क बारह मासी सड़क से जोड़ेंगे सभी गांवों को आपस में इसके लिए मैं लिखते रहा पत्र लिखता था हमको कहा गया मैंने सुझाव भेजा था प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने इस तरह के सुझावों के पत्र लिखे तो उस पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की गई बढ़ रही है सरकार तो हमारे जो गांव में बिजली नहीं है ये सब घर में जब बिजली नरेंद्र मोदी ने पहुंचा दिया हर खेत तक एग्रीकल्चर लाइन अलग कर दिया हर बोरिंग पर लाइन जाता है हर बोरिंग पर वो ट्रांसफार्मर लगता है उस ट्रांसफार्मर से कनेक्शन मिलता है ये सब सुविधाएं मिलेंगी तो निश्चित रूप से ये जब हम अब, अब पंपिंग सेट है जो तो पढ़ा लिखा नौजवान है ग्रेजुएट है मेरा पोता इंजीनियर है उससे हम ये कल्पना करें कि जो पंपिंग सेट का है वो हैंडल मार मार करके वो डीजल वाला को अब चलावे संभव नहीं है हमारी मूर्खता है ना जो शब्द हमारे गुरु डॉक्टर लोहिया कहते थे रूपांतरण आप लोग अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण में बहुत कठिन प्रक्रिया है उसमें समय लगता है रूपांतरण में पूरी की पूरी पीढ़ियां लग जाती हैं जी और जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी भी कृषि को अपनाएगी और निश्चित रूप से हमारे किसानों की हालत भी सुधरेगी हुकुमदेव जी आज एनआरसी को और सीएए को लेकर देश में बड़ी उथल पुथल है खासकर विपक्षी दल लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं हिंसा भी फैला रहे हैं और देश को बांट रहे हैं और कई बार तो लगता है कि जो सेवनटी नाइन में वीपी सिंह के टाइम में मंडल आयोग के कारण देश भर में जो उथल पुथल मची थी विपक्षी चाहते हैं कि वैसा ही वातावरण देश में बना दें उन्नीस में पार्लियामेंट में श्रीमान बोलते हुए लोहिया ने कहा था लोकसभा में कि हिंदू चाहे पाकिस्तान का हो या दुनिया के किसी भाग में हो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है और भारत की सरकार अगर कहती है कि हमारा काम नहीं है तो इनको इनका दायित्व तो बनता है कि दुनिया के किसी भी इलाके में अगर हिंदू पर धार्मिक प्रताड़ना के प्रताड़ना होती है तो उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व तो बनता है लोहिया ने कहा है क्योंकि उनके पास कोई और अल्टरनेट भी नहीं है सिवाय हिंदुस्तान में आने के लिए लोहिया ने कहा है तो लोहिया तो जनसंघ के नहीं थे लोहिया तो आरएसएस के नहीं थे वो तो समाजवादी थे और आजादी के आंदोलन में लोहिया ने जितना ये अपना जीवन लगाया था जितनी यातनाएं सही थी आज उसके चरण धूलि के बराबर ये बोलने वाले एक नेता भी नहीं जिंदा हैं जो लाहौर के किला में लोहिया को लोहिया को कितनी यातनाएं दी गई थी वो पढ़े इतिहास पढ़े इतिहास पढ़े पार्लियामेंट में बोलते हुए लोहिया ने कहा था कि आखिर हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं वो सब भूतपूर्व हिंदू ही तो हैं वो तो कुरान और तलवार लेकर के आए जिन्होंने कुरान को एक्सेप्ट कर लिया वो बच गए नहीं तो उसको लोहिया कहते थे कि इतिहास को पढ़ो एकांगी मत पढ़ो जब ये पढ़ोगे कि हमारे पर प्रदेशी आए उन्होंने हम पर जुल्म किया हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा यह अपनी जगह पर सही है लेकिन एक आंगी है लेकिन इतिहास को पूरा होगे जब यह सोच देखोगे कि आखिर उस समय हमारे पूर्वज इतने निकम्बे क्यों थे जो उन्होंने इसका मुकाबला नहीं किया ये यहाँ से इतिहास में दर्द निकलता है दर्द फिर आज जो घटना घट रही है तो कहीं आने वाला इतिहास में फिर जो लोहिया ने कहा था उसकी पुनरावृत्ति न हो जाए कि आने वाली संततियां ये न कहे कि साहब हमारे पूर्वज कितने निकम्मे थे जिस समय राष्ट्र की एकता अखंडता संप्रभुता की बात हो रही थी उस समय आपस में बट गए थे सत्ता के कारण या जात के कारण या जातीय स्वार्थ के कारण या सांप्रदायिक स्वार्थ के कारण ये ऊपर है साहब राष्ट्र ऊपर है सबसे अगर ये राष्ट्र है हिंदुस्तान है ये राष्ट्र है और इस राष्ट्र में हिंदू है तभी तो इसमें कोई ब्राह्मण है कोई यादव है कोई दलित है कोई अनुसूचित जाति है सब है अगर यही नहीं रहेगा तो तुम ब्राह्मण को कहीं दुनिया में खोजो ना कहीं तुमको मिलेगा क्या मिलोगे नौकरी करने वाले कोई यादव को खोजो किसी हिंदुस्तान के हिंदू जातियों को खोज के आओ कहाँ मिलेंगे वो यहीं मिलेंगे मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि लोकसभा के रिसेप्शन पर एक किताब है लोहिया और संसद लोकसभा से प्रकाशित है उसको निकाल के आप लोग भी पढ़िए उसमें डॉक्टर लोहिया ने लिखा है वो तो समाजवादी थे ना उन पर तो ये हिंदुत्व का बुखार नहीं ना था उन पर जो आज लोग कहते हैं अगर किसी पर है तो मैं उनको सम्मान करता हूँ अगर हिंदुत्व का हिंदुत्व के वो गर्व से हिंदू अपने को कहते हैं मेरे हिंदुत्व है तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ कि भाई कहना चाहिए मैं भी कहता हूँ लेकिन डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था पर इतिहास को कि हमारी इतिहास की धारा को बदलने का काम किया गया विकृति की गई आप बहुत लंबे समय तक लोकसभा में और राज्यसभा में भी रहे हैं और आपकी छवि एक बहुत अच्छे कुशल वक्ता की रही है आपने लोकसभा को खूब हंसाया भी है और खूब गंभीर भी किया है कोई एक अच्छा सा कोई इस तरह का अनुभव आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे मैं तो जिस समय आया था तो मैंने सबको देखा जवाहरलाल जी के शासन से लेके नरेंद्र मोदी जी के शासन तक को मैंने देखा देखा प्रत्यक्षदर्शी हूँ और सभी बनाने में भी रहा और खेल बिगाड़ने में भी रहा तोड़ने में भी रहा और जोड़ने में भी रहा जोड़ने में भी रहा तो आप जो कहते हैं जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी राज्यसभा में मैं राज्यसभा में था साठ से अस्सी से छियासी तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी प्रणव बाबू सदन के नेता थे मैं बोल रहा था तो मैंने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि इंदिरा जी आपने चुनाव में नारा दिया था जात पर न पात पर इंदिरा जी के बात पर मोहर लगाओ हाथ पर हाथ पर हुँ. अब वही जनता आपसे कहती है कि छोटी दो या मोटी दो इंदिरा मैया रोटी दो तो इंदिरा गांधी जोर से हंसने लगी जोर से हंसने लगी फिर मैं जब ये तो सोलह बोला तो मैं बहुत लेकिन सोलहवीं लोकसभा में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के कार्य समिति की बैठक हो रही थी जो मुझे अर्जुन मेघवाल संस जो हमारे चीफ वुफ थे पार्टी के उन्होंने बताया मैं उनकी बात कर रहा हूँ उन्होंने कहा कि आपको बजट सामान्य बजट पर बोलना है जो भाषण सबसे ज्यादा हिलाया देश को जिसमें नरेंद्र मोदी हंसे भी और रोए भी तो उसी में प्रसंग सब आए जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ साथ संपूर्ण हाउस के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए क्या क्या कहा था आपने लोटपोट हो गए और दूसरे तरफ या फिर उसको लेकर के मैं दूसरे तरफ उलट के जब बोलते गया तो नरेंद्र मोदी के आंख के आंसू भी नहीं रुक पाए मैं जब बोलता हूं तो मुझे खुद खुद नहीं पता रहता मुझे खुद भी पता नहीं रहता कि मैं बोल रहा हूं मैं उसको भूल जाता हूं इसीलिए मैंने कहा था कि बीरप्पा मोइली जी आप जहां से बोल रहे हैं वह है इंडिया और मैं जहां से बोल रहा हूं वह है भारत दोनों में इतना का फर्क है इतना का फर्क है आप भी वो भी सी समाज के हैं मैं भी वो भी सी समाज का हूँ लेकिन दोनों के दृष्टि में यही फर्क है तो मैं उसी बोलते के क्रम में मुझ मैंने सुनाया कि मैं भाई सतहत्तर में लोकसभा में जीत के आया तो मुझे बड़ी इच्छा रहती थी, थी कि घूम घूम करके दिल्ली के सड़क को देखें तो मैं टहलते टहलते चला आया एक दिन इंडिया गेट के फुटपाथ पर टहल रहा था तो ये गाड़ी आ रही थी उस गाड़ी में एक कुत्ता बैठा था एक मैडम बैठी थी पीछे सीट पर कुत्ता गेट से अपना गर्द सर बाहर निकाले हुआ था और अपने कुत्ता का स्वभाव है जी लप लप, -लप लपा लप, लप लपा रहा था इसे देख रहा था तो गाड़ी चली गई लेकिन मैं खड़ा होकर सोचने लगा कि कुत्ता मेरी ओर देख देख करके जरूर कुछ कह रहा था Mm -hmm. मेरे मन के अंदर विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ी आखिर एक कुत्ता मुझको चैलेंज कर रहा है इस भारत में कि तुम्हारी हैसियत मेरे बराबर नहीं है आखिर कुत्ते से भी बदतर जिंदगी अगर जीने के लिए कोई मजबूर किया तो कोई नहीं किया वो सामने थे मैं मैंने कहा मजबूर किया तो यही लोग हैं कांग्रेस वाले इसलिए मेरे अंदर वो ज्वाला आज भी प्रज्वलित है कि मैं चाहता हूं कि कितनी जल्दी इनको नाश कर दूं जिससे कि इस स्थिति से हिंदुस्तान को निकलना पड़े अब युग बदला है अब लोकतंत्र का युग है आज से चार सौ पांच सौ वर्ष का युग नहीं है इस्लाम का और अंग्रेज का युग नहीं है न वो जाति प्रथा है न उस जमाना का अनुसूचित जाति है न उस जमाना के अनुसूचित जनजाति है न उस जमाना के, के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें शिक्षा आया है उनमें राजनीतिक चेतना आई है वो बराबरी की भूख चाहते हैं संविधान को मानते हो तो संविधान कहता है समता के सब बराबर है सबको उन्होंने वोट का बराबर अधिकार दे दिया है तो जिस दिन हिंदू समाज के जो आगे ऊपर वाले लोग हैं जिस दिन वो झुक जाएंगे झुक करके और इन नीचे वालों को गले गले, गले लगा ले। लेंगे उसी दिन हिंदुस्तान का रूपांतरण हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद हुक्मदेव जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई और वास्तव में ये सब हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी और राजनीति में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए बहुत प्रेरणादायी हैं इंस्पिरेशनल है मोटिवेशनल है हमें लगता है कि इसके कारण से ज़रूर ये लोग प्रेरणा लेंगे और इन आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे आपने समय निकाला आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस अनुभव का सबको लाभ मिलेगा हम ऐसी आशा करते हैं और आपका स्वस्थ जीवन रहेगा और इसी प्रकार से आप लोगों को गाइड करते रहेंगे हमारी शुभकामनाएं आपके साथ चलिए आपको धन्यवाद और आपके इस चैनल के मार्फत से सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद प्लस माइनस में आज हमारे साथे हुकुम देव नारायण यादव जी अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी नमस्कार